ब्रेन बनाने में तो मेरा है, बट आइडियाज जो थे वो सारे, जैसे आपने कहा, इंजन और गियरबॉक्स के अलावा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। किसी ने भी 4x4 व्हील ड्राइव टेम्पो ट्रैवलर को नहीं किया है। आई चैलेंज। अप्रैल में आई गॉट सिक, मेरे को कोविड हो गया था, कंपनी का फिटेड सस्पेंशन फेल हो गया था, स्टैंड बाय डाल दिया, वी नॉट टेकिंग एनी फर्दर न्यू ऑर्डर्स। सर अल्टीमेटली बिकॉज़ वी वर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, हम बोल नहीं सकते थे। इट इज नॉट रोड लीगल। दीपा शाही एंड केतन मेहता के लिए जो पिक्चर आई थी तेरे मेरे फेरे, उसमें हमने गाड़ी डिजाइन करके दी थी, वो शूटिंग में यूज हुई थी वो गाड़ी। सोच नहीं सकते सोच से भी सस्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी। बट Hello adventure lovers and welcome back to a brand new episode of The Man Behind the Making. This is your host Vidushi. Agar aap yahan aaye hain to Motorum Adventures is a 25 plus year old company jo ki caravans, RVs, motorhomes or special purpose vehicles such as election campaign vehicle, food truck, towing trailer, towing caravans ko customize और रेंट करती है। और इन्हीं कस्टमाइजेशंस को हम फीचर करते हैं ऑन आर डिफरेंट सीरीज, जैसे कि मैन बिहाइंड द मेकिंग, जहाँ पे आप और मैं उन कस्टमाइजेशंस से वॉक थ्रू करते हैं। एंड देन देर आर सम ट्रिकी कस्टमाइजेशंस, जैसे कि मैसेडॉन, जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर 4x4 कन्वर्टेड टेम्पो ट्रैवलर है, विद नॉट जस्ट वन बट टू एक्सपेंडेबल डेक्स। एंड आई एम श्योर आपके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस कन्वर्जन, कि ये कैसे बना और इसमें क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं। सो टुडे हम मैन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस कन्वर्जन के साथ एक वन ऑन वन Q&A करने वाले हैं, जहां पे वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड ऑन दैट नोट, प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड द मेकिंग, मिस्टर संजय सैनी, AKA डैड, AKA पॉप्स। हेलो बेटा जी। हेलो, लास्ट टाइम आप यहाँ थे तब आपकी एक टूटी टांग थी और अब आप यहाँ है, वो टांग होपफुली रिकवर हो चुकी है। बता दीजिए अपने ऑडियंस वालों को। हेलो एवरीवन, लॉन्ग टाइम, इट्स ऑलमोस्ट व्हाट, 6 months? यस, दिसंबर आई थिंक हम लोग लास्ट जो हमारा मैन बिहाइंड द मेकिंग था, हमने दिसंबर में शूट किया था। ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, 4-5 महीने। यस, तो अभी आप रेडी हैं फॉर द Q&A? Yes, yes. ये बॉम्ब मैं इनको टीज करने से पिछले बहुत टाइम से रोक रही हूँ, बट कहीं ना कहीं वो टीज हो ही जाता था। और अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, ध्यान से वो स्नीक पीक्स देखे हो, तो आपको पता लगेगा कि दिस 4x4 टेम्पो ट्रैवलर बॉम्ब हैज बीन टीज्ड मेनी टाइम्स। एनीवेज, अपनी प्रथा को मेंटेन करते हुए, लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड। चीयर्स। आज कौन सा फ्लेवर है? आज गर्मी बहुत है और हमको थोड़ा कैफीन चाहिए, तो हम कोला से काम चला रहे हैं। रेडी? ओके, सो आई हैव माई क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एज वी ऑलवेज से, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट कम टू बी? कहाँ से लाइक इसका आइडिया, सब चीज़ कैसे स्टार्ट हुआ ये? फर्स्टली मैं कृष्णा साध एंड फैमिली को थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। ब्रेन बनाने में तो मेरा है, बट आइडियाज़ जो थे वो सारे उन्होंने, उनके फंटेसीज जो थे वो सारे उन्होंने इस गाड़ी में पूरे फुलफिल कराने के लिए हमें अप्रोच किया। इनिशियली जो उनकी गाड़ी थी जिसके थ्रू वो आए थे, दैट वॉज आइशर डीलर के थ्रू उन्होंने इनिशियली मेरे को अप्रोच किया था कि वी वॉन्टेड टू गेट दिस काइंड ऑफ अ कस्टमाइजेशन डन। बट ये नहीं था, एक नॉर्मल गाड़ी पे कॉन्सेप्ट लेके हम चले थे। जब मैंने इनिशियली उनको फर्स्ट प्रपोजल जब भेजा था, तो उनका प्रपोजल आइशर से टेम्पो में कन्वर्ट हो गया था। ओके, टेम्पो ट्रैवलर T2 4020 व्हील बेस को उन्होंने बेस करा था। उसका दो मेजर कारण थे, एक पहला ये कि उनको ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए थी, और टेम्पोस की इक्वलेंट कोई चेसी बेस्ड जो है गाड़ी उनको नहीं मिल रही थी, बिकॉज पार्किंग का, दूसरी चीज़ों का काफ़ी इशू था। तो ये डिसाइडेड टू गो विद दी टेम्पो, जो उनका इनिशियली, जब हम लोगों की इनिशियली जब चीज़ें बात हुई, तो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बेयर बेसिक मिनिमम बेसिस पे थी। तो जब फर्स्ट कोड गया, उस पर उन्होंने यही कहा कि भाई मेरे को बनाना है, कन्फर्म्ड है,
और आपकी जो पुरानी वीडियोज़ और दूसरी चीज़ों को मैं देखता हुआ आया हूँ, तो मेरे को कुछ बनवाना है। तो एंड इट वॉज अगेन एक रूटीन जो हम लोगों का होता कि कैरवन बनानी है, ठीक है बन जाएगी। मतलब एक नॉर्मल कंसेप्ट से स्टार्टिंग हुई थी। नॉर्मल से स्टार्ट हुआ था, इट वॉज नो वेयर देयर कि एक्सपेंडेबल सिंगल एक्सपेंडेबल से दो एक्सपेंडेबल जाएंगे, देन ड्रॉप डाउन बेड होगा, ड्राइवर केबिन के बीच में इतना बड़ा पार्टीशन होगा विच मूव्स एज डे टाइम में वो एक तरीके का आपका जो है ब्लॉकिंग करेगा ड्राइवर केबिन और सैलून एरिया को, और एट टाइम्स व्हेन दे वांट टू यूज़ वो पोर्शन जो है एक आपका ड्रॉप डाउन बेड में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि ड्राइवर हेल्पर्स हो सके, और फिर पीछे का एक एक्सपेंडेबल आ गया। तो कॉन्सेप्ट लेके चले थे हम, पहले एक्चुअली आईशर का था नॉर्मल गाड़ी पर, उसके बाद उन्होंने फिर फोर्स टेम्पो ट्रैवलर वो जो है एक बेस व्हीकल दिया जो कि हर किसी के बजट में भी नहीं आता, एंड सेकेंडली करने के लिए भी बहुत चैलेंजेस है। मतलब मैंने अभी तक का जो एक्सट्रीम चैलेंज जो अभी तक एक्सेप्ट किया है, मैं इसको मानूंगा कि आज तक हमने इतना बड़ा चैलेंज नहीं करा जिसको करने में हमें ऑलमोस्ट करीबन नहीं तो ढाई साल लग गया। एंड आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर साद एंड फैमिली जिन्होंने अपने पेशेंस को बरकरार रखा। हाँ, टाइम टू टाइम हम लोगों के टक टुक खटखट होते रहे, बट उनके पेशेंस को मैं बहुत तहे दिल से जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ऑफकोर्स टीम तो है हमारी जो जिसने इस चीज़ को अचीव करा, बिकॉज आई एम क्वाइट रिजिड अबाउट का अगर मैंने एक कमिटमेंट ले लिए और चीज़ मेरे को बना के देनी है, टाइम लगता है हर काम के अंदर टाइम लगता है, और जिस टाइप का कस्टमाइजेशन करा है हम लोगों ने तो आने वाले वीडियोस और जो है आपको पहले जो दिखाया गया है उसमें और देखेंगे, और इस तरीके के कस्टमाइजेशन और जो है आने वाले हैं। बस हम और टीज़र नहीं देंगे, हर वीडियो में आप आगे कोई ना कोई टीज़र दे देते हो। बट येस, मिस्टर कृष्णा साध जो कि ओनर है इस कैरावान के, ओनर ऑफ मैसेडन, Not only him, his family. Yes, the complete family, उन्होंने पूरा डिजाइनिंग से लेके सारी चीजें, उनका एक विजन था और उसको फैंटेसीज थी वो जो सारी इसके अंदर एक तो चीज ऐड होती गई ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक 2.5 साल हमको लगाए बीच में। यस, वी हैड अ लॉकडाउन, और 2.5 साल इनिशियली हुआ क्या था कि ये गाड़ी आई थी हमारे पास दिसंबर 2020, yes. और प्रोजेक्ट जब आया था उस टाइम में ये नहीं था कि ये सब कुछ बनाना है, एक्सपेंडेबल होगा या सिंपल रिक्वायरमेंट था, फिर वो बाद में पुट ऑन होती गई। बट हाँ, उसका हमने खाका हमने पहले तैयार कर लिया था, ये नहीं मैं कहूंगा कि नहीं हुई थी बात हो गई थी, बाद में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाद में ऐड ऑन हुए, जैसे ड्राइवर पार्टीशन का है, एक्सपेंडेबल है दोनों, 4x4 स्टार्टिंग से था आपका 4x4 दैट केम लेटर ऑन, सो हमारे कन्वर्जन के बाद हमने 4x4 करना नहीं, बात हुआ था कि जो गाड़ी ले ली थी उसके बाद क्या हो सकता है, मतलब होने को तो कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी हम तब तक we had already finalized and deal done हो चुका था कि ये गाड़ी हम finalize कर रहे हैं, ये गाड़ी हम ले चुके थे, उसके बाद हुआ था कि हम लोगों ने 4x4 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इसको ऑप्शनल लेके चले थे। एक और ये क्वेश्चन है कि टेम्पो ट्रैवलर क्यों चूज किया गया इस 4x4 कन्वर्जन के लिए, तो हमारे पिक्चर के अंदर टेम्पो ट्रैवलर को कन्वर्ट करेंगे पिक्चर नहीं था, हमारा पिक्चर था कि कन्वर्जन होगा फिर उसमें 4x4 ऐड हुआ है, इज इट? नहीं, इनिशियली हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने इस डील को क्लोज किया था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने मेरे वर्ड को रखा, हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था, MOU साइन नहीं हुआ था। इनिशियली मैंने उनको एक कोटेशन भेजा था, बट उस कोटेशन से टोटली गाड़ी जो है चेंज हुई। इन सिंपल वर्ड्स, गाड़ी का इंजन और गियर बक्से के अलावा और चेसी के अलावा इस गाड़ी का ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। I mean it, कुछ भी नहीं है। जो मुझे लेके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बॉडी वर्क ऑफ मैसेडन, इसमें अल्टीमेटली जैसे आपने कहा इंजन और गियरबॉक्स के अलावा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो हमने क्या क्या चेंज किया है व्हेन वी से बॉडी वर्क, तो कैसे वो चेंजेस हुए, थोड़ा सा उसके बारे में ऑडियंस को बताइए। देखो, पहले एक्चुअली है क्या कि जब गाड़ी का ये शेल आता है वो मोनोकॉक शेल है, एवरीबॉडी नोज अबाउट कि ये मोनोकॉक शेल और चेसी दोनों इसकी कंजॉइंड है, एक सिंपल उसके अंदर में आती है, तो शेल का जो बेस है वो हमने नहीं छेड़ा, ठीक है, चेसी वही ओरिजिनल, इंजन वही है, बट जब हमें
इसको 4x4 में कन्वर्ट करना पड़ा। इट वॉज अगेन अ बिग चैलेंज। अभी तक इंडिया में किसी ने भी, इंडिया में आई एम टॉकिंग अबाउट, इंडिया में अभी तक किसी ने भी 4x4 व्हील ड्राइव टेम्पो ट्रैवलर को नहीं किया है। आई चैलेंज, अगर कोई कहे कि मैंने कर दिया तो मेरे पास लेके आए। हाँ, फोर्स की एक्सल आती है विच इज बीन सप्लाइड टू द आर्मी ओनली, सिविलियन को कभी तक नहीं करी है। करी है उन्होंने, बट वो भी आउटफिट हो चुकी है। अब रिसेंटली मैंने नहीं देखी है, हो अभी करंट का तो आई हैव नो आइडिया, मे बी दोस गेट ऑक्शनड, ऑक्शनड होती है, लोगों ने उसके ऊपर भी बनाया है, बनते हैं। मेरे पास बहुत पहले थी एक्सल 4x4, वो भी उसके अंदर भी 5 सिलेंडर इंजन आता था, बट जो बिगनिंग में आया था 2.5 लीटर का इंजन आया, लोडिंग में उन्होंने दिया था, बट 4x4 व्हील ड्राइव सिविल में नहीं आया। तो उस गाड़ी का गियर रेशियो जो अभी करंट है आपकी, ये BS4 है, बेसिकली BS4 इंजन था, 5 सिलेंडर 3200cc OM617 इंजन है मर्सिडीज का। तो उसके कंपैटिबल में आपको गियर रेशियो सारे रखने हैं, ड्राइव ट्रेन, ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल और सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेते चले। क्राउन पिनियन आपका मेन मेजर प्ले करता है। आई थिंक आप बता रहे हैं मोर अबाउट 4x4 कैसे हुआ, लेकिन जो बॉडी है, जैसे ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने वॉक थ्रू में भी बात करी कि जब हम विलो के अंदर, विलो जो कि सेम बेस व्हीकल पे है, बस उसमें साइड एक्सपेंशन नहीं है, पीछे का एक्सपेंशन है, लेकिन जब हम विलो में चलते हैं तो ये जो एरिया इतना ओपन लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, इसमें मेरे को ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि मैं चेसी बेस गाड़ी के अंदर हूँ। और जो हमारा विलो का किचन स्पेस भी है, दैट आल्सो इज लेसर इन कंपैरिजन टू दिस, तो डिफरेंस क्या है? ऐसा है कि उस गाड़ी में हमने जो एक्चुअल बॉडी है गाड़ी की, जो गाड़ी का एक्चुअल विड्थ है, दैट इज 78 इंचेस प्रिसाइजली, जो कि बॉटम में है, ऊपर जाते जाते गाड़ी कर्वेचर उसमें है, तो वो 5.5 के करीब रह जाता, 5.5 रह जाता है एरिया। बट इसमें क्या था कि आफ्टर चॉपिंग दी बॉडी, हमारी गाड़ी की इनर विड्थ है 88 इंचेस, 78 से 88 इंचेस, 14 इंचेस का तो वो आपको एडवांटेज मिल गया। प्लस वंस व्हेन यू एक्सपेंड दी व्हीकल, दिस इज अनदर एन एड ऑन ऑफ 36 इंचेस, 36 इंच बाय 9 फुट का एरिया, इट हैज बिकम मोर और लेस वन टाइनी होम, टाइनी होम। पीछे का एरिया आपका एक्सपेंड कर जाता, उसमें ड्रॉप डाउन बेड है, मतलब वो ऐसी ऐसी, ये लास्ट में हुआ एड ऑन। Okay, the drop down bed was in the last. उसके बाद कई major changes हुए, मतलब it was not that simple कि एक day to day की उसके अंदर काम करने में आप कर लो, because I love challenges, but challenges भी extreme होने चाहिए। but future में मैं कभी भी recommend नहीं करूँगा कि कोई इस टाइप का करा सकते हैं, बट एक हमारा खाका फाइनल हो जाने के बाद जो है चीजों को करना मल्टीपल टाइम्स चेंजेस ना, बहुत चेंजेस इसमें, मल्टीपल चेंजेस हुए हैं इस गाड़ी में। अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका जो होना था वो वुड में होना था, दिस वाज माय डिसीजन टू गो विद द फाइबर। ओके, ये एक एक चीज का पैटर्न बना है, और सबसे बड़ा हमारा जो पैसा खर्च होता है इस लाइन के अंदर में, वो ये होता है कि अगर हम रिपीट ऑर्डर लें तो हमारी कॉस्ट जो है उसमें ऑब्जर्व हो जाती है, बट क्योंकि हमारे को वन टाइम यूज करना है, उस वजह से हम लोगों की कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो जाती है हर चीज को बनाने। आप मानोगे नहीं बेटा कि इसका अंदर का जो हमने डाइया बनाई थी, इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 to 5 months टू गेट दी डाइज रेडी। 4 to 5 months, हाँ जी, 5 महीने उस डाइयो को बनाने में लगे, तो उस डाइयो से फिर पैटर्न उठा के फिर हमने लगाया, तो उसमें 3 से 4 महीने लगाने में लगे थे इसको। ये जितना बना है सब सारा हैंडमेड, कस्टम मेड है दूसरी गाड़ी, फॉर दिस व्हीकल। ओके, टाइम हुआ क्या था कि दिसंबर में हमारे पास गाड़ी आई थी, तो गाड़ी को चॉप आउट तो कर दिया था जो शेल था, इसका आगे का जो ड्राइवर केबिन है, दैट्स ओरिजिनल ड्राइव ट्रेन के अंदर में आपका इंजन और गियरबॉक्स ओरिजिनल है, उसके अलावा और कुछ भी उसका नहीं है। तो दिसंबर में हमारे पास ये गाड़ी आई, अप्रैल में आई गॉट सिक, मेरे को कोविड हो गया था, एंड ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 months शायद मैं उससे फाइट करता रहा अपने आप को, एंड थैंक्स टू द फैमिली कि इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल नहीं भेजा, एंड आई डिड नॉट यूज द ऑक्सीजन एट ऑल। तो दैट वॉज प्लस योगा, माय डॉटर शी इज गुड इन योगा, तो हर रोज पापा चलो ऊपर छत पे योगा करेंगे, तो दैट सेव मी फ्रॉम गोइंग टू
I don't know. Hell or heaven? Nope. So like initial वो sick period रहा, फिर changes हुए, उसकी वजह से time लगा. बहुत major changes हुए हैं. कुछ हमारी भी देखो गलती कहें या time हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिया. Extreme changes में होता क्या है कि एक जगह हम अटक गए थे. इसका 4x4 का तो जुगाड़ हो गया था सारा, कर भी लिया, टेस्टिंग भी कर ली थी, बट सस्पेंशन में आके कंपनी का फिटेड सस्पेंशन फेल हो गया था. ओके, एयर सस्पेंशन कंपनी से लगवाया एंड एक नहीं दो, दो नहीं तीन बार हमने करा, उसमें हमारे करीबन 4-5 महीने हमारे बर्बाद हुए. उसमें भी टाइम गया बैक एंड फोर्थ करते हुए. अल्टीमेटली जब वो नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर भी मेरे को खुद अपना जो है गाइडलाइन देनी पड़ी, चीज़ें करनी पड़ी एंड फाइनली हम उससे निकल पाए. तो ये नहीं है कि कंपनी के फिटेड सस्पेंशन ही काम में कर सकते हैं और आप उसी को फाइनल कर सकते हैं. यस, हमने भी कस्टमाइज किया, हमने उसको फाइनल कराते हैं पर्टिकुलरली, तो उस कस्टमाइजेशन के लिए आपको ए टू जी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. एक्चुअली क्या है, कंपनी ने जो सस्पेंशन बनाया है वो वेट को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, उनके सस्पेंशन फेल हो रहे थे. तो फिर हमने अपना इनपुट लेके अपनी, क्यों मेरी पुरानी आदत रही है अपने बैक टू स्क्वेयर, अपना पूरा कंप्लीट आरएनडी को थोड़ी चेक करना होता है, तो इसकी टेस्टिंग भी हम लोगों ने अपने एंड पे ही करी, विच आई थिंक आपको मैंने कुछ वीडियोज़ भी शो करे थे कि हम लोगों ने इस गाड़ी को वी क्रूज दैट इन बिटवीन 80 to 90, 90 की स्पीड तक हमने, 90 तो नहीं, 90 से कम में हमने टच करा, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, और इसको टेस्ट किया है. तो चीज़ें हैं, चैलेंजेस हर गाड़ी के अंदर में होता है, इसका भी चैलेंज एक्सट्रीम रहा है कुछ. और बॉडी शेल तो इसका कुछ नहीं था, ये पूरा कंप्लीट शेल एल्युमिनियम में है. टॉप जो हमारा वो दैट इज मेड, द आउटर शेल इज मेड आउट ऑफ जीआई, कुछ पार्ट जीआई का है, जैसे ऊपर का जो कैब ओवर बेड शेल है दैट इज मेड आउट ऑफ जीआई, क्यों उसको उस तरीके से एल्युमिनियम कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज ऑल्सो इन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. सो बाहर से इज जीआई एंड अंदर से टोटली फाइबर. ओके, टोटली फाइबर है, वो टोटली कस्टमाइज्ड है. ओके, पूरा इन हाउस हमने बनाया. एंड लाइक अगेन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि आपने जैसे ये डोम बनाया ऊपर, कैब ओवर स्पेस जो बनाया ऊपर, तो इसमें क्या एरोडायनामिक्स हैम्पर नहीं होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो बड़ी गाड़ी में अगर आप चीज़ों को लेके चलो कि आपको माइलेज मिल जाएगा, नो. वो हमारा एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कंट्री ऑब्सेस विद द माइलेज, तो इसमें वो नहीं चल पाएगा. तो जब आप शिप खरीद रहे हो तो यू कांट से स्कोल का किलोमीटर कि ही एक लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, तो पॉसिबल नहीं है. तो फॉरगेट अबाउट द माइलेज. यस, इट विल गिव एन एवरेज ऑफ 4 to 5 आई थिंक मैक्स, हायर साइड आइडल कंडीशंस. बट एरोडायनामिक्स वाइज लाइक सूटेबल है या नहीं? एरोडायनामिक्स में देखो अभी तक तो हमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं, जब हमने चलाई ये गाड़ी 80 में. देखो कैरावेंस आर नॉट मेंट टू ड्राइव और डू इन अ डैश रेस कार के ड्राइविंग के लिए, नहीं. आइडल कंडीशन अगर गाड़ी को चलाना है तो 50-60 की स्पीड में चलाओ, तो गाड़ी आपको कोई परेशानी नहीं करेगी. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद द कनेक्टिविटी, जैसे किचन जो है, अंदर भी किचन है हमारा, बाहर भी किचन है, और अंदर भी हमारे पास गैस सप्लाई है, बाहर भी हमारे पास गैस सप्लाई है. द ओनली डिफरेंस इज कि अंदर का जो गैस कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमें बार बार नहीं करना, एंड बाहर जो एक हमने नॉब्स दे रखे हैं उससे हम कनेक्ट करते हैं. तो क्या ये दोनों सेम उससे सोर्स से आ रहे हैं? बट इट्स क्वाइट कॉमन. हमने मेन सोर्स आपके दो जो हमने छत पे इसके रखे हुए हैं, सीलिंग और रूफ पर जो इसका कैविटी बनाई हुई है, वो ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर्स 5 kg के जो हमने उसके अंदर में मेन माउंट करा है, उससे उसकी सप्लाई है. टी हमने देखे सप्लाई डाइवर्ट कर दी, एक यहाँ डाल दिया है मेन किचन एरिया पोर्स एरिया में, और एक पीछे दे दिया, उसमें प्लग इन पुश इन जो आते हैं आपके, यूजली स्टील और ब्रास के हम लोग यूज़ करते हैं, यू नो वी डोंट गो फॉर द चीप क्वालिटी. तो उससे उसको प्लग इन करके सिंपली एंड यू कैन यूज टू यूज द रियर किचन एज वेल. तो ये जो किचन ये जो किचन था, ये अंदर और बाहर का पहले से कंसेप्ट था, तो हम स्टार्टिंग से इस प्रोविजन को लेके चले, ये भी लेटर ऑन ये भी बाद में एड ऑन हुआ है. और मोर ओवर गाड़ी का
जो हमारा बॉडी फाइनल हुआ था इनिशियली, बिकॉज जब मिस्टर कृष्णा साहद का विजिट आया था पीछे वाले बेड का, जब उन्होंने प्रोविजन ले लिया था कि मेरे को बनाना है, तो जब वो ऑलमोस्ट रॉ था तो उन्होंने वहाँ बैठ के उसको फील किया, हुआ क्या कि हमारी विलो खड़ी थी तो विलो में बैठने के बाद जो पीछे वाला एरिया था, तो ही फाउंड दैट क्वाइट स्पेशियस इन टर्म्स ऑफ सिटिंग एट द बैक, बट वो क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, तो उसके लिए उन्होंने देखा कि लेग रूम कितना है। तो उस टाइम में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि यार मेरी गाड़ी में भी क्या ये इतना ही होगा, मैंने आपकी गाड़ी में इधर की तरफ जगह नहीं मिलेगी और ये पैर के लिए आपको फोल्ड करना पड़ेगा या दूसरा और कोई तरीका देखना। देन ही टुक अ कॉल कि नहीं भाई मेरे को नहीं होगा, बॉडी बन चुकी थी पूरी गाड़ी की, और उसके बाद हम लोगों को फिर से बैक टू स्क्वेयर, अपना बैक टू टेबल उसमें करके एंड अगेन उस बॉडी को चॉप आउट करके हमारे को करीबन 10 इंची पीछे जो है और बढ़ाना पड़ा। 10 इंचेस? 10 इंच, जस्ट 10 इंचेस। गाइज आई एम नॉट किडिंग यू, आप लोगों को नहीं पता कि सिर्फ वो 10 इंच बढ़ाने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कंप्लीट बॉडी शेप पूरा कंप्लीट तैयार हो गया था। And like at that stage, ये re-run करना चीजों को, it takes a lot of... Washroom पूरा complete हो चुका था। Okay. Washroom की position change हुई, और ये जो slider था, इसका portion और बढ़ गया था फिर। So initially ये छोटा area? ये छोटा था, उसके बाद फिर बड़ा है। इधर से पूरी complete बनी हुई wall को chop out करके पीछे करा, फिर उधर से पीछे करा, कई चीजें उसके साथ match हुई। But I'd say multiple changes हुए, लेकिन जो final product निकल के आया है, every single thing, it's like chef's kiss, every single thing. Thank you. So yeah, connectivity ka question hum jaan chuke ki ye jo connectivity hai di hai humne, ye baad mein ja ke di, it's not initially plan hi nahi tha kitchen ka bahar. So, verbally hum logo ki kai cheeze hui hai, verbally commitment jo thi cheezon ki, apart from the dates I'll say ki meri kai dates fail hui hai. Dekho, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जब आप व्हेन यू डू अ एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन, एट टाइम्स व्हेन यू कमिट एंड यू आर रिलाइंग ऑन दी लेबर टू डू दी वर्क, और मेरे अंदर एक आदत शुरू से बहुत गंदी रही है, अगर मेरे को सेटिस्फैक्ट्री अगर उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता तो पीपल नो मी इन द इंडस्ट्री अबाउट कि ये पागल है, बनी हुई चीज़ को उखड़वा देगा। तो दैट इज़ इन माई ब्लड, मतलब फादर भी ऐसे ही थे कि अगर कोई चीज़ प्रॉपर नहीं बनी और नहीं हुआ है तो फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करके फिर से करो, रिस्पेक्ट टू हमारा क्या नुकसान है। हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट कि डेट्स की कमिटमेंट मेरी कई थी और फेल हुई है, बट मोटिव ये नहीं था कि खाली डेट्स को देना है, एक ये था कि टारगेट हम लेके चले थे कि देनी है, बट चीज़ें मेरे एंड से लेट हुई, उसका कारण कई है, नॉट जस्ट ओनली ऑन बिकॉज। होता क्या है कि हम चैलेंजेस को ले तो लेते हैं, दैट्स वॉट योर मॉम से, दैट्स वॉट यू से, द दीदी सेज कि पापा आप काम तो ले लेते हो और काम आता भी है आपको, प्रॉब्लम ये होती है कि आप डेट्स के साथ में पैसे और टाइम आप नहीं बढ़ा के बोलते। Yes, that is. वो एक फैंटेसी को साथ लेके चल रहा होता, अच्छा ये फाइनल प्रोडक्ट बन के ऐसा आएगा, हमें ऐसा करना है, विच इज़ नॉट राइट, आई एक्सेप्ट दैट, इंटेंशन कभी ऐसी नहीं रही कि एक फाइनल प्रोडक्ट किसी को जो है जो मांगा है उसको नहीं देना। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर कमिटमेंट, आवर टाइम, कि हम टाइम पे दे लोगों को व्हीकल, प्रोवाइडेड कि चेंजेस, दैट इज व्हाट गाइस, कि हमारे पास इस टाइम पाइपलाइन में 13-14 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, आई थिंक इन कमिंग मंथ एंड और सो वील बी डिलीवरिंग नियर अबाउट 5 कैरावेंस, न्यू कैरावेंस, बट आप लोगों को इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, तो खुश मत होइएगा। अभी कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमने जो होल्ड पे डाल दिए, कितने लोगों ने कहा है, वी हैव अ वेटिंग ऑलमोस्ट फॉर वन ईयर, अभी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं बड़े जिनको हमने स्टैंड बाय डाल दिया, वी नॉट टेकिंग एनी फर्दर न्यू ऑर्डर्स, रीजन बींग कमिटमेंट पे अगर हम टाइम से ना दे पाए देयर इज नो पॉइंट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक जनरल क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि हमने एक वीडियो में जैसे डोमिसाइल का वीडियो था आई थिंक, जिसमें हमने टच किया था कि ऑक्सिलरी बैटरी होती है और मेन बैटरी होती है, तो एक क्वेश्चन है कि जब कैरवान स्टेशनरी होती है और अगर हमारी बैटरी ड्रेन हो गई तो हमारा इंजन कैसे स्टार्ट होगा, तो जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। आई थिंक यू नो अबाउट, हमने मेन एक कमांड बैटरी रखी होती है ऑलवेज, वी डू
यूजली हम क्या करते हैं, हम गाड़ी किसी भी गाड़ी में एक बैटरी नहीं देते, हम तीन बैटरी देते हैं इरिस्पेक्ट टू कि वो गाड़ी छोटी ना हो। इनफैक्ट छोटी गाड़ी की अगर हम बात करें तो जो न्यूक थी उसमें हमने 100 AH की तीन बैटरीज दी थी, दोज़ आर लेड एसिड बैटरी। इवन इन दिस व्हीकल लेड एसिड बैटरीज है, विच इफ क्लाइंट वॉन्ट तो वो उसको हम लोग लिथियम आयन बैटरीज में भी कन्वर्ट कर। आज से 2-2.5 साल पहले आई वॉज नॉट प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन यू नो प्रमोटिंग लिथियम आयन बैटरीज, बिकॉज केसेस देखे हैं कंपनीज लाइक टेस्ला की गाड़ियाँ बस्ट कर रही हैं, चाइनीज़ का तो मैं बात ही नहीं करता। और दिस थिंग टाटा हैज़ कम अप विद द ब्यूटिफुल ईवी व्हीकल्स, महिंद्रा हैज़ ऑल्सो कम अप, बट द पॉइंट इज़ कि उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जंप आ चुका है, पीपल आर गोइंग एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि दैट पीपल शुड गो विद द लिथियम आयन बैटरीज। बट एट टाइम्स ऑफकोर्स इस लेड एसिड बैटरी के मुकाबले उसकी कॉस्ट, उसका वर्किंग ऑपरेशंस और उसके जो सपोर्टिंग उसके जो सब जो सामान है वो एक्सपेंसिव है, जैसे डीसी टू डीसी चार्जर हो गया, बीएमसी हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आइसोलेटर हो गया, इसको आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब देयर सो मेनी वेरियस पॉसिबिलिटीज नाउ दैट वन कैन यूज द लिथियम आयन बैटरी। बट दैट्स लिथियम आयन वर्सेस द लेड एसिड बैटरी। लेकिन लाइक अगर बैटरी ड्रेन हो गई तो लोगों का क्वेश्चन है कि अगर ये ड्रेन हो जाता है बैटरी तो इंजन कैसे स्टार्ट होगा, तो वो जो आपने कंसेप्ट एक बार समझाया था कि आइसोलेटर का मतलब यही होता है, इवन इफ यू आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग बैटरी जो कंपनी से आती है, उस कंपनी वाली बैटरी में आप मान लीजिए कि आपने लेड एसिड वाला बैटरी यूज किया हुआ है, रिस्पेक्ट टू उसका एम्परेज कितना है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करा, 130 AH की तीन बैटरीज लगाएंगी। वन इज द आइसोलेटर, आइसोलेटर इज कि जो आपकी मेन इंजन से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। वंस व्हेन यू आर यूजिंग दी न्यू फुल लोड आपने लगाया हुआ, इस टाइम जितनी भी ये सारी लाइट वगैरह सब बैटरी पे चल रही है, यू नॉट यूजिंग अ ग्रिड बैटरी, तो ऑब्वियस है कि एक टाइम में आने के बाद ये बैटरीज वगैरह ड्रेन होंगी और ये डेड हो जाएगा, अप टू अनसर्टेन 50-60% आपने कंज्यूम करा उसके बाद ये डेड हो गया। उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर मेन इंजन की बैटरी भी चली गई तो हाउ यू विल स्टार्ट दी इंजन, दैट इज द क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन इज कि आपने जनरेटर तो आपके पास है, आपने जनरेटर, बट जनरेटर फर्स्ट विल चार्ज दी बैटरीज उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो हर गाड़ी में एक आइसोलेटर होना मस्ट है कि वो आपके ऑक्सिलरी बैटरीज को मेन बैटरी से आइसोलेट कर दे कि जिस टाइम आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप उसको ईजिली स्टार्ट कर ले। वंस व्हेन द बैटरीज आर ऑन यू टर्न ऑफ द आइसोलेटर तो वो आपका जो दूसरी रिमेनिंग बैटरीज है उसको भी चार्ज करना लगेगा। बट आई वोंट रिकमेंड, कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी में दो अल्टरनेटर लगाए, और कई एक नहीं हमने हर गाड़ी के अंदर में दो अल्टरनेटर लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में सिर्फ एक सिंगल अल्टरनेटर है, रीजन बीइंग हमारे को पूरा उसका जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाया कि हम उसको ब्रैकेट को कहाँ लगाएं। अदरवाइज हम मोस्टली हर गाड़ी में एक बड़ा अल्टरनेटर तो लगता ही लगता है, जैसे इसमें 150 AH का हमने अल्टरनेटर लगाया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज गो विद द टू अल्टरनेटर, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद वन वी गो विद टू। सो लेड एसिड के लिए वो प्रोविजन हो जाता है कि कल को अगर आपका डेड होता है तो यू हैव अ सब्स्टिट्यूट। अंडरस्टैंड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद द वॉशरूम। इस कन्वर्जन का जो वॉशरूम कंसेप्ट है दैट इज यूनिक इन द सेंस कि ऐसा वॉशरूम हमने पहले दिया है बट इट्स इन अ वेरी बिग चेसी बेस्ड व्हीकल, जो इलेक्शन कैंपेन हमने बनाया था उसमें था। तो हाउ इज दिस लाइक ये यूनिक कैसे है, क्या इसका मतलब, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, वॉशरूम के बारे में स्पेशली अबाउट दिस फोर्स। एज आई सेड कि जो हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट कम है वो फ्रेंड ज़्यादा बने हुए, और रिश्तों में कभी कभी कटाई भी आती है आई भी, बट इज अ जॉली गुड फेलो आई नो, और डाउन टू अर्थ आदमी है नो डाउट, उनकी फैमिली इनफैक्ट वो और उनकी फैमिली पूरी। एक्चुअली आइडिया ये था कि हमें कॉम्पैक्ट वॉशरूम बनाना है, बट कीपिंग इन व्यू कि स्पेशियस भी हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सुविल जो हमने पार्टीशन दिया है टॉयलेट का अपनी कैराबिन में विलो में, शॉवर एरिया और हमने जो करा है वो आइडिया मेरे पास इनके माध्यम से आया था। ओके हमारी गाड़ी में वो प्रोविजन नहीं था, ही
एक्चुअली टाइम टू टाइम क्या होता था, ही कीप ऑन सेंडिंग मी दी आइडियाज कि यार ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये बन सकता है, क्या इसमें प्राइवेसी है, तो ये शॉवर एरिया जो है ड्राई बाथ हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने वो लिया था, उसको सबसे पहले हमने उसमें इम्प्लीमेंट कराया है विलो में, और फिर इनकी गाड़ी में साइमल्टेनियसली काम हो ही रहा था। तो दैट वन आइडिया केम अप, और बाकी तो हम लोग जो वॉशरूम्स बनाते ही हैं इसमें यूरिनल दिया है फर्स्ट टाइम, दैट्स अ हिडन टोटली, पता नहीं लगता व्हेन वंस यू इट्स टक्ड इन वेरी सीमलेसली, जब तक आप उसको स्विवल नहीं करोगे तब तक नोबडी विल नॉट रियलाइज कि इसमें यूरिनल भी दिया हुआ है। कॉम्पैक्ट है और नीचे ट्रे दिया है, बड़ी गाड़ियों में दिया है, छोटी गाड़ियों में हमने दिया। इनफैक्ट आज क्योंकि पीछे हम गाड़ियाँ दे रहे थे कैरावेंस के अपार्ट, वॉशरूम जो है हमने CRPF की गाड़ियों में, NDRF का, पैरामिलिट्री फोर्सेस में पिछले 3 साल से हम किसी और सोर्स के थ्रू उनको जो है हम लगा रहे थे। Yes, we were ultimately because we were bound by a contract, हम बोल नहीं सकते थे, but post the Pulwama case, which if you do not know, just Google it, आपको पता लग जाएगा। उसका जरूरी नहीं है। But after that, people got serious about CRPF, especially got serious about getting washroom, caravan अपने buses के अंदर। Buses के अंदर में। तो हम लोग जो है female staff के लिए दिक्कत होती थी, तो CRPF, NDRF, ITBP, हमने मेघालय से लेके बैंगलोर तक के मोस्टली सारे स्ट्रेच में हमने वॉशरूम्स जो है पैरामिलिट्री की उसमें दिए हैं, और कुछ हमारे अभी आर्मी के अंदर भी लगने जा रहे हैं। तो आज से नहीं, पिछले 3 साल ऑलमोस्ट वी हैव गिवन। सो आई कीप ऑन सेइंग कि वॉशरूम हमारा USP है, हमने इस पे ऑलमोस्ट 6 to 7 years R&D पे स्पेंड किया है इसकी। विदुषी एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ना थोड़ा कॉन्सेप्ट वॉशरूम्स का लोगों को क्लियर नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैरावेंस के अंदर में कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल वॉशरूम्स के जो की कंपोनेंट्स है लाइक WC, जो वॉशरूम्स अभी मार्केट में अवेलेबल मिल रहे हैं पोर्सलिन या उसको जो हम सेरेमिक में बोलते मिलते हैं, दोज आर गुड फॉर दी मरीन, और वो प्रैक्टिकल इतना नहीं है कि उसका जो बेसिकली उसमें क्या है कि मैशरेटर लगा हुआ है, वंस व्हेन यू यूज़ दी वॉशरूम एंड पूप जब उसमें मैशरेट करता है, इट्स बेसिकली लाइक एन ए मिक्सिंग, मिक्सी का जो चॉपर ब्लेड होता है हाई स्पीड का, वो दैट मैशेज आउट, वो करके फिर उसको ड्रैग करता है एक पाइपलाइन से, एक 1.25 इंची या 1.5 इंची का, डेढ़ भी नहीं होता, 1.25 इंची का पाइपलाइन होता है विच ड्रैग्स दैट यू नो दी पेस्ट टाइप है उसको, वो ड्रैग करता है आपका सीवेज जो आपका सेप्टिक टैंक होता है, और सेप्टिक टैंक जो आते हैं वो दीज आर ऑफकोर्स गुड जर्मन मेक, सिस्टम इज ऑल्सो जर्मन, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्टैंडर्ड और इंडिया के हिसाब से वो नहीं बने हैं, या हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे जो पोर्टेबल टॉयलेट्स आते हैं वो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर ओके विद डे टू डे उसकी अगर सफाई करने एवरी सिंगल टाइम आप यूज़ करो। टॉयलेट्स की अगर रेंज करें तो हमारे पास फायर पिट वाले भी टॉयलेट्स हैं, जिसमें आप कंपोजिट जो आपका है वो डाला and that burns the entire thing, उसमें हीटर लगा होता है, वो भी टॉयलेट हमारे पास है, हम लगा सकते हैं चाहे तो, वो भी डेवलप किया हुआ है हम लोगों ने, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं। जो अभी एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स जो हम बना रहे हैं, जो वॉशरूम में टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दीज आर क्वाइट कॉमन इन बसेस, जितनी भी मल्टी एक्सल बसेज हैं, जितनी भी आई एंड बसेज हैं, उनमें ये वाले वॉशरूम्स यूज़ होते हैं, बिकॉज इसका जो होल है दैट इज़ 3 इंचज, और ये क्या है कि वी आर प्राउड कि हमने उस सारी चीज़ों को हमने अपने एंड पे डेवलप करा हुआ है। इसकी भी एक स्टोरी है जो हरसिल में हमने डिस्कस करी है, व्हाई वी केम इनटू दिस, व्हाट वाज़ दी रीज़न बिहाइंड, की ऑर्डर एक डिले हो रहा था हमारा, और इट टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू गेट दी मटेरियल फ्रॉम जर्मनी। मैं आज की नहीं बात कर रहा, आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले। तो हमारे से आई वुड लाइक टू गिव दिस कि हमारे से वॉशरूम आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल में, डजंट हैव टू बी अ फुली फ्रेश कैरावान, आपके किसी भी व्हीकल में वॉशरूम हमसे बनाने का फायदा नंबर 1 तो ये है कि जो भी आप इंपोर्ट कराएंगे, टैक्सेशन देंगे, वो आप बचाते हैं। नहीं, टैक्सेशन की बात नहीं है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दैट यू रिलाई ऑन दी डीलर, कि वो आपको कल को अगर आपका कोई स्पेयर बिग खराब हो जाता है तो यह टोटली रिलाई ऑन कि स्पेयर आएगा तो आपका टॉयलेट स्टार्ट होगा तो आप चलेंगे। यू टेल अस विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे
आपको सामान जो इन हाउस मिल जाएगा, वेरी इजी है हमारे जो टॉयलेट्स हैं उनको रिपेयर करना। आफ्टर सेल्स जो है आपके लिए बहुत इजी होगा, विच अगेन अगर आप कुछ भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इवन इफ वी स्पीक अबाउट अ कार, नॉर्मल कार, जब वो कार इंडिया में उसका प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है तो पीपल गेट अ बिट डाइसी कि कहां से हमें मटेरियल मिलता है। फोर्ड का है, फोर्ड एंडेवर हो गया, फोर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने बंद कर दिया, बट वही है कि ढूंढना पड़ता है। हमारे को इवालिया में धक्के खाने पड़े थे, स्पेयर्स नहीं मिलते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। बट सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इन हाउस है, सारी टेक्नोलॉजी हमारी इन हाउस है। बैंगलोर एज आई सेड, बैंगलोर और मेघालय कहाँ आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं वॉशरूम्स का। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लग सकता है बट आपकी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्ट जो आपको स्पेयर्स चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएंगे और एक्सपेंसिव नहीं। बिकॉज आई हैव सीन दिस पैटर्न अभी, क्योंकि ओवर लैंडिंग बहुत फुल फोर्स में चल रहा है इंडिया में, तो लोग जो है छोटी छोटी चीजों पे ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे एंड लाइक कम अमाउंट में खरीद लेते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है कि ये तो हम एक साल बाद चेंज कराएंगे। नहीं बेटा जी, ऐसा है कि अभी जो ओवरलैंडिंग के नाम पे जो काम चल रहा है, लोग बहुत छोटी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। ऑफकोर्स होना भी यही चाहिए, बिफोर एंटरिंग इन टू दिस काइंड ऑफ अ लार्ज यू नो कैरावैनिंग एंड काइंड ऑफ अ थिंग, वन शुड स्टार्ट विद द स्मॉलर व्हीकल। एक बेस व्हीकल को फाइनल करने के बाद देन यू कैन स्टार्ट विद द बिगर व्हीकल। जैसे हमने पीछे बोलेरो बनाया, बुलेरो बना के दिया, इसुजु बना के दिया, योद्धा हमने दो बना, एक ऑलरेडी योद्धा हमने डिलीवर कर दिया, बट उसका वीडियो हमें अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें आई होप कि जिस टाइम तक ये रिलीज हो रहा है मैन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ मैस्टोडॉन, तब तक योद्धा वाला कॉन्सेप्ट हम रिलीज कर चुके होंगे। करा था बट वो एक्चुअली वी रिस्पेक्ट दैट कि क्लाइंट की कुछ प्राइवेसी थी, पॉइंट्स थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको वीडियो को डाउन कराया अभी, बट आई थिंक इन कमिंग By this month end or maybe next. I think जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक that conversion already live हो चुका होगा। उसकी वजह से हमारे पास बहुत queries आएंगे because that's a budget friendly caravan. तो हर कोई afford कर सकता है within the budget. तो आने वाले time में बहुत से crazy customization हो रहे हैं, होंगे भी। हम digress कर चुके हैं topic से, आप बता रहे थे about जो overlanding का concept है, उसमें जो चीजें use होती हैं materials। वो सस्ता है, लोग बाग in house उसको बना रहे हैं, but long term में नहीं चल सकता। Secondly क्या है, वो legal नहीं है। Okay. Because जितनी भी cars हैं, जो commercial नहीं है गाड़ियाँ, without commercial vehicles का जो private number में registered है, उन गाड़ियों को अगर आप पीछे convert करके use करते हैं, like you are basically removing the seats of the vehicle, seven seater hai, seven ko five kar rahe ho, so it is not road legal, you have to take a permission from the local RTO, okay, which is not at that simple, har state aur har uska jo apna ek criteria hota hai aur ek apne norms hote hain, norms to sabke liye main kahunga same hai, but as for the norms agar aap karte ho indoors aapko RC pe karana chahiye, otherwise in case kabhi bhagwan na kare कि ऐसा हो, अगर एक्सीडेंट होता है और उस ड्यूरेशन में इंश्योरेंस वाला अगर वो देखता है कि उसके अंदर चेंजेस हुए में नो क्लेम होता है, उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ओके। रूफ टॉप टेंट के लिए ठीक है कि उसके भी अलग अलग लोगों के वो है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इफ यू गो इन बैंगलोर और कर्नाटका, वहाँ अलाउड नहीं करते, पीछे बाइसिकल कैरियर अलाउड नहीं करते, कमेंट्स भी आते हैं हमें एक्चुअली वहाँ। तो कई चीजें ऐसी है जो नहीं है यहाँ पे, अभी नॉर्म्स ऐसे नहीं है, बिकॉज यू हैव टू प्लीज, आपको एक अपनी डिटेल लेके जाना पड़ता है, तब वो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, तब जाके वो टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। एनीवेज, जो हमारा पॉइंट था दैट वाज कि अगर आप कोई चीज, जैसे हमारे क्लाइंट है, आई कैन नॉट रिमेम्बर हिज नेम, बट उनकी ऑलमोस्ट 10 इयर्स से ज्यादा पुरानी गाड़ी है, द छत्तीसगढ़ क्लाइंट। अच्छा, डॉक्टर साहब। सो हमारी कैरावान जो है इतनी पुरानी होने के बाद भी जस्ट बिकॉज रूल लीगल नहीं रह जाती है, जैसे दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में रूल है, सिर्फ उस वजह से हम चला नहीं पाते, नहीं तो बिल्ड क्वालिटी हमारी हर चीज़ की इतनी ज़्यादा होती है कि वो गाड़ी की लाइफ से ज़्यादा चलती है। तो बनाया था 2014 में बनाया था, हाँ, तो ऑलमोस्ट प्रीटी मच 10 इयर्स हो गए। सो इट्स लाइक बिल्ड क्वालिटी ऑफ द थिंग्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हाई होता है, तो इसीलिए जो प्राइस है दैट इज़ ऑन अ हायर साइड। अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करोगे कि हाँ मैं कुछ सस्ता ले लेता हूँ जो मैं 6 महीने 1 साल तक यूज़ करूँगा,
उसके बाद मैं वो नहीं यूज़ करूँगा एंड आई परचेज अ न्यू थिंग, तो आप एक बार उस कॉस्ट को एड अप करके देखेंगे तो वो आपको उतना ही पड़ेगा जितना हम आपको फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। आप एक ये भी तो कर सकते हो ना, अगर आप बेस व्हीकल अगर कोई पिकअप ट्रक पे बनाते हो, पिकअप ट्रक इन सेंस कि आइशर हो गया, सॉरी आपका बोलेरो हो गया, इसुजु हो गई, योद्धा हो गई, हाइलक्स हो गई, तो दीज फोर दे आर ऑलमोस्ट फोर फाइव वेरिएंट्स अलग अलग गाड़ियों के उस पे है, उसको आप बेस व्हीकल बना लो। अगर आपको लगता है कि मैं 10 साल के बाद जो है मेरे को गाड़ी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो मेक अ सेपरेट हमारा डिटैचेबल सिस्टम वाला है उसको आप बना लो, दैट्स अ बेस्ट वे। दैट इज़ अ गुड आइडिया, दैट इज़ अ गुड आइडिया कि मतलब जब वो आपका लाइफ खत्म हो गया उस व्हीकल का, सिर्फ शेल डिटैच करके दूसरा गाड़ी पे रीअटैच इट, बिकॉज अभी मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में भी हमारे पास लॉन्गर व्हील बेस वाले जो है पिकअप ट्रक्स आएंगे, जैसे रैम है बाहर जो आते हैं, राप्टर आते हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद 4x4 टेम्पो ट्रैवलर को 4x4 में हमने कन्वर्ट किया है, सो उसके बारे में लाइक क्या इनपुट है आपका, एक्सप्लेन करिए हमको। हर बार की तरह एक नया चैलेंज, एक उड़ता हुआ तीर लेना। इनिशियली जब क्लाइंट नहीं कहूँगा मैं, मिस्टर साद ने जब अप्रोच किया था, तो बेसिक आइडिया था कि भाई दूसरी गाड़ियों में 4x4 लग जाता है, कि जितने भी यहाँ पे चेसी बेस्ड व्हीकल आती हैं उन सब में उसका एक आर्मी वर्जन भी आता है जिसमें वो 4x4 से रिलेटेड शॉर्ट व्हील बेस में, नॉट अ बिगर व्हील लॉन्गर व्हील बेस, शॉर्ट व्हील बेस में 4x4 का प्रोविजन होता है। वो दो टाइप के गियर बॉक्स आते हैं, वन इज़ द मैरिज गियर बॉक्स। मैरिज गियर बॉक्स में क्या होता है कि जो आपका मेन जो लीड गियर बॉक्स है उसके साथ में एक ऑक्सिलरी ऑलरेडी साथ में अटैच्ड होता है, विच गिव्स दी ड्राइव पावर टू दी फ्रंट एक्सल। रियर का तो चलता है, बट उसके साथ में एक एक्स्ट्रा गियर बॉक्स उसी के साथ में अटैच्ड होता है जो आगे की शाफ्ट को चलाता है, जो कि हमारी माज़दा में था। एक प्रोविजन ये था कि हमें उसके मैचिंग का, जो हमारी टेम्पो ट्रैवलर का इंजन है OM617 का, जो गियर एग्जिस्टिंग गियर है उससे कंपैटिबल हमारे को मैरिज गियर वाला सेम गियर बॉक्स मिल पाए, बिकॉज उसका एक अपना चैलेंज था, इट वाज नॉट दैट सिंपल टू गेट दी सेम थिंग जो कि स्प्रिंटर में हमारे जो मर्सिडीज स्प्रिंटर आती है उसमें आता है, या तो है उसको हम दुबई वगैरह किसी कंट्री से जो है सेकेंड हैंड जो है इम्पोर्ट करते, बट वो पॉसिबल नहीं था। खरीद भी लेते बनवा मंगवा भी लेते हैं, बट एट टाइम्स होता क्या है कि चीज़ अगर आपकी ख़राब हो जाए तो अगेन यू आर एट ज़ीरो, आपको फिर वो पार्ट को मंगवाना है, उसको कन्फिगर करना है, बहुत सी कहानी है। तो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू गिवन गो एंड ट्राई एन एनी ऑफ द इंडियन व्हीकल गियर बॉक्स। तो आई लैंड अप एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी कर चुका था, पहले भी हम कर चुके थे, तो आई थॉट गिवन अ थॉट कि जो उसका ड्राइव ट्रेन बन रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग बाग जो बोलते हैं कि बहुत मैं किसी भी गाड़ी को जो है 4x4 कर दूंगा, इट्स नॉट दैट सिंपल। पांच फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद, एंड दैट ऑल फेलियर्स दैट कम्स विद द प्राइस, टाइम, मनी एंड योर लेबर, जो टाइम उसके अंदर में लगता है, फेलियर्स गिव्स यू नेगेटिविटी, बट आई फील कि आई वर्क इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, जो मेरा स्टाफ है, मेरी जो टीम है, वो चैलेंजेस को भी वो एक्सेप्ट करते हैं, वो पता है कि करके बनेगा। तो पांच फेलियर्स के बाद में छठे उसके अंदर में हमने उसको अचीव किया था। गियर रेशो को मैच कर रहा है, डिफरेंशियल को मैच करना है, आपके क्राउन पिनियन के साथ में इसका जो मैचअप आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मैच नहीं करती, आपकी गाड़ी का टॉर्क तो बढ़ जाएगा, बड़ा उसमें चांसेस ये होते हैं कि या तो आपका डिफरेंशियल या कोई ना कोई चीज़ तोड़ेगा, चाहे वो क्राउन पिन ही तो तोड़े। और वीडियो में दिखाना उसको जो हमने गाड़ी चलाई है, ऑलमोस्ट 80-90 की स्पीड में हमने गाड़ी को चलाया है, अपनी जो लिमिट थी उसके हिसाब से। बाकी इसकी स्पीड तो आप चाहें तो 110 तक भी कर सकते हैं स्पीड खोल के, विच आई वोंट रिकमेंड कि वन शुड गो विद द कैरावेंस। ऑफ कोर्स आइडल स्पीड इज 50-60 आइडल है गाड़ी को चलाना, चलाने को तो आप जितना चाहो चला लो, और लोग बाग जो है पावर को भी इनहेंस करते हैं,
आपने कॉन्फ़िगर कराना है तो वो भी करा सकते हैं, बट पॉइंट नहीं है उसको कराने से। आपने कोई किसी आइटनरी को डैश नहीं करना है कि आपको 3 दिन में ही जैपनीज की तरह जो है पूरा इंडिया घूमना है, तो स्टॉप डूइंग दैट इफ यू आर डूइंग दैट। सो लाइक 4x4 आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि हम करके देंगे व्हीकल में, तो यू आर सेइंग इट्स नॉट, आप गलत वर्ड है। अगर कोई कहता है कि मैं एक नॉर्मल किसी टेम्पो को या किसी गाड़ी को जो मैं 4x4 में जिनमें कंपनी से आता है प्रोविजन लेके आप लगा सकते हो, बट कन्वर्टिंग अ टेम्पो ट्रैवलर इनटू अ 4-व्हील ड्राइव हेल ऑफ अ चैलेंज। हमने इसमें डाइवोर्स गियर लगाया है, नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मैरिज गियर बॉक्स एंड द डाइवोर्स गियर बॉक्स। मैरिज इज विच इज कपल्ड टू द एग्जिस्टिंग, जो आपका मेन ऑक्सिलरी जो मेन गियर बॉक्स है उसके साथ में एक एग्जिस्टिंग एक अलग गियर बॉक्स लगा होता है, अटैच्ड होता है बट मेन गियर बॉक्स से। डाइवोर्स में क्या होता है कि यू हैव अ 1 ड्राइव शाफ्ट, एक आपका गियर बॉक्स जो कंपनी का जो ऑलरेडी फिटेड है या जो भी गियर बॉक्स फिटेड है उसके साथ में साइड एक अलग से एक गियर बॉक्स लगता है जो मेन ड्राइव ट्रेन से होता हुआ पीछे के लिए आपकी जो मेन डिफरेंशियल है उसके साथ में लॉक्ड होता है, और साइमल्टेनियसली उसी के साथ में एक और एक्सटेंशन होती है विच ड्राइव्स योर फ्रंट व्हील्स। तो उसको इंगेज करने के लिए आपके पास उसमें ऑलरेडी मैंने गियर बॉक्स का वो दिया हुआ है लिवर, लो एंड हाई आते हैं हर गाड़ी में आता है, तो इसमें भी हमने लो एंड हाई दोनों को प्रोविजन दिया है। तो दोनों को देखते हुए काफ़ी चैलेंजेस बैक एंड फोर्थ बहुत हुए थे। तो क्लाइंट का एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट था कि जब टाइम हमने ट्रायल लिया था उनके साथ में देयर वाज अ हेल ऑफ अ नॉइस इनसाइड, इट वाज लाइक ईयर बस्ट कर जाएंगे। तो कुछ हमारी मिस्टेक्स थी जिस मिस्टेक्स से हमने बहुत कुछ सीखा, और गियर बक्से में तो इम्प्रोवाइज़ किया हमने, उसमें भी चेंजेस बहुत कुछ किया है, फ्रंट व्हील में भी बहुत मेजर चेंज हुए हैं, रियर में भी करा है, स्पेसेस और दूसरी चीज़ों को लेते हुए हमने सारा चीज़ों को करा है। गाड़ी में वॉबलिंग थी, द मोमेंट यू क्रॉस 40-45 किलोमीटर स्पीड द मोमेंट इट स्टार्ट शेकिंग लाइक एनीथिंग, इट वॉज लाइक जस्ट एनी मोमेंट द व्हीकल विल टॉपल। तो ये सारे इश्यूज हमको आए एंड देन वी इनकाउंटर दोज एज वी गाड़ी कभी लेफ्ट भागती थी कभी राइट भागती थी, इट वॉज लाइक एट अ स्विंगिंग। वो जो कंपनी फिटेड हमने जो उसमें सस्पेंशन लगाया था उसकी वजह से बहुत बड़ा ड्रैग था, टायर्स का इशू था, लास्ट मोमेंट तक हमने टायर जो है फाइनल नहीं करे थे बिकॉज आई न्यू टायर तो खरीद लिए जाएंगे, वो पहले भी खरीद सकता था बाद में भी, बट क्यों, क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू कम टू एन कंक्लूजन कि जो हमारे पास वर्स्ट केस जो हमारे टायर है उसमें गाड़ी स्टेबल होना ज़रूरी है, अगर उसमें स्टेबल है तो हमारे पास सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व और सॉर्ट आउट हो जाएगा, विच वी हैव अचीव्ड। वॉबलिंग का स्पीड था, गाड़ी वॉज लाइक मैंने खुद चलाई है कि एनी मोमेंट गाड़ी जो है वो टॉपल डोके गिर जाएगी, द क्लाइंट लॉस्ट ऑल इज होप कि सॉरी मिस्टर साद कि गाड़ी मैं ही नहीं चला पा रहा हूँ तो कैसे होगा, तो इट्स नॉट, उसको कंट्रोल किया, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ मेजर्स किए। तो इसमें हमने 4x4 कौन सा वाला यूज किया है? दैट्स अ सीक्रेट, आई कांट। ओके, आई थॉट दैट कुड बी आंसर्ड, बट एनीवेज लाइक जिनके लिए ये बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि यार ये मैरिज गियर क्या है, ये ड्राइव यू कैन आस्क क्या है, सी अगर आपको किसी गाड़ी में अगर गियर बॉक्स से का सिस्टम अगर फिट कराना है, इवन फॉर अ विंगर आई कैन फिट, तो देर आर अदर वेरियस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, और अगर आप चाहते हैं किसी गाड़ी में गेयरबॉक्स लगाना, यू कैन ऑलवेज यू नो ड्रॉप अ मेल टू अस एंड वी विल डेफिनेटली वी लव टू हेल्प यू आउट इन दैट। सो गाइस, अगर आप लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिवोर्स गियर क्या होता है, मैरिज गियर क्या होता है, आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आई विल आस्क आवर पर्सन टू इंसर्ट अ वीडियो जो पापा ने मुझे भेजा था जिसके थ्रू मुझे समझ आया द ड्रॉइंग्स एंड ऑल। बट अगेन कमिंग बैक टीजिंग द सेम कंसेप्ट, हम लोग होपफुली जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं बाय द टाइम हम लोग रिलीज कर चुके होंगे ओनली फॉर मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के लिए हम लोग वीडियोस लेके आने वाले हैं जहाँ पे पापा द मैन बिहाइंड द मेकिंग इज गोइंग टू सिट एंड डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। जब मैं बात करती हूँ एक कन्वर्जन की तो हम ब्रीफली उन कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, बट जब आप बात करते हो आप समझा पाते हो लोगों को कि ये कैसे करना है, एंड इवन somebody who is a DIYer जिसको करना है DIY, हो सकता है कि आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल हो। सो मेंबर्स के लिए रहेगा ये स्ट्रिक्टली,
एंड वंस एवरी मंथ और मे बी ट्वाइस एवरी मंथ हम लोग वी आर कमिंग अप विद दिस सीरीज एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच एंड एवरी थिंग अबाउट हाउ टू डू इट डी आई वाई में आप खुद कर सकते हैं एंड देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ यू नो थिंग्स वट वट हिंदी में बोलिए प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए. हर कोई जो है उसको अपने आप कर सकता है स्टेप बाय स्टेप. तो कुछ हम चाहते हैं जो अपने एंड पे भी लोग खुद कर सके. बट इसमें डिफरेंस है देखिए, बिकॉज क्या होता है हम लोग ये बोलते हैं कि आप हर चीज़ DIY नहीं कर सकते, कुछ चीज़ आपको प्रोफेशन पे छोड़नी पड़ेगी. हम भी चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें सीखें, लेकिन हर चीज़ अगर आप चाहेंगे कि बॉस मैं एक पूरा चलता फिरता घर जो है वो खुद से बना लूँ, तो हमारे ही इसमें कितनी रिसर्च कितना डेवलपमेंट. तो बेटा ऐसा है कि बहुत से मैंने लोग देखे हैं इन द नेम ऑफ कैरावेंस लोग बाग जो है वो बस बॉडी बिल्डर वाले के पास चले जाते हैं. आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट होता क्या है कि जो माइंडसेट है बस बनाने वाले का, जो बस बॉडी वाला बनाएगा या जो उसके अंदर में इंटीरियर का काम करके देगा, उनका माइंडसेट होता है कि मेरे को, हम लोग एक वो पर्टिकुलर टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पीपा बनाना. पीपा इज ठोका पीटा और उसको बना के दे दिया. गाड़ियाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली में चीप नहीं बनती, ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह ऐसी है. आप जयपुर चले जाएं तो वहाँ गाड़ी जो आप सोच नहीं सकते सोच से भी सस्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी, बट दोज आर नॉट रिलायबल व्हीकल्स. आए दिन आप देखते हैं हाईवेज पे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ छनी छनी, बंदे बॉडीज वगैरह जो है विच्छेद हो जाती है. क्या वो आई डोंट नो द प्रॉपर वर्ड इन हिंदी. गाड़ी सस्ती बनाना और वो रिलायबल ना होना, उसमें बहुत फर्क होता है. क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है. सो कीपिंग द ड्रामा साइड, हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम एक सीरीज निकालना चाह रहे हैं जो होपफुली जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक सिर्फ मेंबर्स के लिए, अगर आपने मेंबरशिप सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा, जहाँ पे पापा बैठेंगे आप लोगों के साथ. एंड क्योंकि आई थिंक इनिशियली फ्यू नंबर ऑफ पीपल रहेंगे तो एक इंटरेक्शन ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा, जहाँ हम हर मे बी हर क्वेश्चन का हर चीज का आपको रिप्लाई मिलेगा. जो मैंने पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में गेन किया है, मैं साथ तो लेके जाऊंगा नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ मैं दूसरे एक जो हमारी जो कैरावन कम्युनिटी है, ओवरलैंडिंग कम्युनिटी है, मेरे ज्ञान को मेरे से ले तो एटलीस्ट वो उस चीज को यूटिलाइज कर सके. मैं अपने तक नहीं, मैं आगे भी चाहता हूँ ये चीजें लोगों के पास जाए. तो आपके क्वेश्चंस या आपके जो भी डाउट्स हो आप डिस्कस करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे और यू विल गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम काफ़ी डाइग्रेस कर चुके हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि गिवन द फैक्ट कि इसमें हमने इतने सारे अपग्रेड्स किए हैं, इतनी सारी एमिनिटीज दी है, तो हम इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं ओवरऑल जो वेट है. देखो हर चीज़ को काउंटर करने के लिए काउंटर कराना पड़ता है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं, कि जब कैरावेन बनाया जाता है तो उसका दो मेजर की फैक्टर्स होते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्पेस मैनेजमेंट इज द की टू द मेकिंग ऑफ अ कैरावेन और अ मोटर होम और RV. तो इस क्यों सबसे जो इसका भारी पार्ट है वो ये होना था और होता, बट हमने क्यों क्या किया, हमने इसमें ट्रिकी पार्ट, पूरी बॉडी हमने इसकी एल्युमिनियम की बनाई है. द इंटायर शिफ्टिंग शेल्फ इज कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ इन एल्युमिनियम, पूरा एल्युमिनियम के अंदर का बना है, वही ऑटो ग्रेड जो हम यूज़ करते हैं. तो उसकी वजह से कम है इसका वजन. उस काउंटर को करने के लिए ऑन द अदर साइड वी हैव द बैटरीज, वी हैव द जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है वो है, प्लस आपका किचन उस साइड में, और भी कई ऐसे की फैक्टर्स हैं जो उस साइड में है, तो उसको काउंटर कर रहे हैं. वट इज दिस थिंग, यू कैजुअली ड्रॉप्ड हाइड्रोलिक्स, बट लाइक हाइड्रोलिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट कि एक्चुअली इसको चलाने के लिए आपको हाइड्रोलिक चाहिए चाहिए. दे आर थ्री वेज वन कैन गो फॉर. वन इज़ दी मोटराइज सिस्टम आता है, एक आता है आपका लीनियर बेस्ड एक्चुएटर बेस्ड में आ जाता है, थर्ड इज़ दी हाइड्रोलिक. उसको न्यूमैटिक में आप नहीं चला सकते, तो बेसिकली इसको लीनियर एक्चुएटर में ही हम चला सकते हैं. लीनियर हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, एंड थर्ड इज़ दी गियर सिस्टम आता है एक छोटा, उसमें मोटर होती है, बट उसके अंदर भी बिकॉज इसका वेट है उसके लिए हमारे को फाइनली वी वर लेफ्ट विद टू गो विद दी हाइड्रोलिक. उसका इसका वेट जो बड़ा है, एक कारण मेजर कारण वुडन फ्लोरिंग. यस, इज दिस वेरी फर्स्ट टाइम आई डोंट रिकमेंड गोइंग ऑन फॉर दी वुडन फ्लोरिंग. और इसमें
आई वुड से कि इसमें एक मेजर पार्ट जो है उनकी साथ साथ की फैमिली का भी रहा है डिज़ाइनिंग में, उनकी बेटी का। डिज़ाइनिंग पे अभी हम आएंगे क्वेश्चन पे, बट अदर देन दैट लाइक हाइड्रोलिक्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इज देयर एनीथिंग एल्स जो इस वेट को सपोर्ट कर रहा है? द मेन इज द एयर सस्पेंशन जो हमने सिस्टम जो है एयर बलून्स का जो हमने लगाया है, सिमिलर टू जो हम पिकअप में डालते हैं बट इसमें उसके अंदर में इसमें हमने कुछ और दूसरे सिस्टम से और हैवी ड्यूटी इसमें जो है सस्पेंशन। बिकॉज मैंने नोटिस किया, आई विल पुट द फुटेज ऑफ अमन हु इज बिहाइंड द कैमरा। सो जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वापस टू द लोकेशन, आप लोगों को पता है कि हेडक्वार्टर से जब हम बाहर निकलते हैं तो जो रोड है वो बहुत बम्पी है, और हमने एक बॉटल रखा हुआ था, तो वो बॉटल इवन ऑन दैट बम्पी रोड हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा था। सो आई इंसर्ट दैट क्लिप हियर, और उसकी वजह से आई थिंक जो राइड क्वालिटी भी है इसका, इवन इन रामलर राइड क्वालिटी बहुत अच्छा था हमारा, बट इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि राइड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूवड है इन कंपेरिजन टू टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो में बैठते हैं तो लगता है यार किस में बैठे हुए हैं, बट इन दिस इज इट बिकॉज ऑफ ओनली द सस्पेंशंस? नॉट ओनली द सस्पेंशन, इसमें काफ़ी कुछ मेजर हम लोगों ने करा है। इट्स जस्ट नॉट ऑन प्योर ऑन द कंपनी फिटेड लीव स्प्रिंग सस्पेंशन, उसके अलावा भी हमने कई चीज़ें अपग्रेड करी है। इसका काउंटर बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम आता है जो हमने फर्स्ट टाइम इसुजू में यूज़ किया था, उसके बाद इस वाली गाड़ी में यूज़ किया। इसुजू बाय दैट ही मींस डोमिसाइल। डोमिसाइल, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका स्पेशल फीचर आपके अकॉर्डिंग क्या है कैरवान का? क्या ही पॉइंट्स हैं इसमें? ऑफ कोर्स 4x4 इज वन। 4x4 नो डाउट, इंडियाज फर्स्ट टेम्पो ट्रैवलर विद अ फोर व्हील ड्राइव। इट्स मेरे लिए भी एक चैलेंज था, लास्ट मोमेंट तक चैलेंज रहा था, उसको हमने फाइनल किया और फाइनली वी हैव अचीव्ड इट। और क्या इसमें स्पेशल फीचर्स हैं? कई चीज़ें हैं, अब फ्लोरिंग है, एक्सपेंशन है, आई मीन द काइंड ऑफ इसमें चैलेंजेस कई चीज़ों को लेके आया। अब जैसे ड्रॉप डाउन हमने कराया इसमें फ्रंट में, ड्राइवर केबिन टू द सैलून एरिया आपको सी थ्रू चाहिए था, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके अंदर में बेड का भी प्रोविजन है। सो इट्स अ सेमी पार्टीशन, अगर आपने वॉक थ्रू नहीं देखा है तो जाके देखिएगा वॉक थ्रू, बट दिस इज अ सेमी पार्टीशन जहाँ पे जब आपके ड्राइवर में भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ये पूरा एरिया प्राइवेट है, आपके पास ये स्पेस पूरा प्राइवेट है, और जब आपको मे बी एक फ्रंट व्यू चाहिए, जो लोगों को होता है कि अरे हमें भी आगे का देखने को मिले, तब ये सिंपली ड्रॉप डाउन हो जाएगा एंड दैट सेम पार्टीशन वो एक ड्रॉप डाउन बेड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली इतना बड़ा जो फ्रेम होता है ना उसको ड्रॉप करना है, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो द सेम टेक्नोलॉजी सेम सिस्टम व्हाट वी हैव यूज्ड इन व्हाट वी यूजिंग इन द ड्रॉप डाउन बेड, उसको हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, इसको वर्टिकल करके हमने जो है यूज किया है सिस्टम को। ओके, एंड हाउ वुड यू से द डबल डेक एक्सपेंशन इज लाइक चैलेंजिंग और लाइक टेम्पो में? देखो मैं खुद अपनी गाड़ी में करना चाहता था कि डबल एक्सपेंशन करूँ, बट एवरी व्हीकल हैज इज ओन लिमिट, और जिस टाइप का एक्सट्रीम कहते हैं ना डिसीजन, ही इज अ फास्ट डिसीजन टेकर, तो जो कृष्णा जी ने जो डिसीजन लिया ही सेड नहीं मेरे को इसी के साथ जाना, आई डोंट वॉन्ट टू कम्प्रोमाइज ऑन दैट, लेट्स डू इट। तो एक जब आपको एक क्लाइंट से एक सपोर्ट मिल जाता है ना चैलेंज के लिए, देखो आपका एक्सपीरियंस आपके लिए एक अलग है, आप एक वर्ड कह के कह सकते हैं, क्लाइंट ने बोला कि मेरे को इसके अंदर में हेलीकॉप्टर बना दूंगा मैं, कर दूंगा मैं, वो चीज़ें कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब आप प्रैक्टिकलिटी जब उसके अंदर करने में आती है, थ्योरी और एक प्रैक्टिकल जब आपको करना होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो उन्होंने चीज़ों को बोला, मैंने भी इनमें कई चीज़ें पहली बार की है, फेलियर्स होते हैं और उस फेलियर्स को आप छुपा नहीं सकते, यू हैव टू टेल पीपल अबाउट कि हाँ फेलियर हुआ, बट हमने फाइनली उस प्रोडक्ट को फाइनली हमने अचीव किया है, और ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ थी, कई चीज़ें बैक एंड फोर्थ होती हैं बिहाइंड द सीन के अंदर में, हमारे कितनी चीज़ों के नुकसान होते हैं उपयोग लोगों को नहीं पता है, बट इन रियलिटी है कि नुकसान बहुत होते हैं, इतने मोटे नुकसान होते हैं कि जितने कॉस्ट आपने गाड़ी को
प्रोजेक्ट को एक प्रोक्योर करने के लिए लिया, उससे ज्यादा आप ज्यादा खर्च कर देते हो। मैंने किए गई हुआ, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज हम लोग कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं ईच एंड एवरी टाइम। अगर आपको कमिट कर दिया कि ये देंगे तो देंगे देंगे, उसमें चाहे फिर अपनी जेब के पैसे क्यों ना लें। सो डबल डेक एक्सपेंशन, यू आर सेइंग इट्स यूनिक, और आई थिंक द ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर अगेन, इसमें मैं वही कहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी फैमिली का, उनकी बेटी का, उनके लड़के का। दिस अपोस्ट्री वॉज डिसाइडेड बाय हिम, हमने जो बना के दिया था ही डिडंट लाइक द कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने अपने एंड पे इसको भेजा था कहीं करवाने के लिए, नहीं करवाने के लिए भेजा था, बट वहाँ से भी कुछ चीज का रिजेक्शन आया था। तो फिर फाइनली हमने ये डिज़ाइन फाइनल करके दिया था, दिस बीन डन बाय अस। बेस उन्होंने जो हमें समझाया उसके बेस पे फिर हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट रीडू करके मेरी ही टीम ने करके दिया है। देन जो किचन पार्ट था, योर दीदी वॉज इन्वॉल्व। काउंटर टॉप हमने डिसाइड किया था, वी डिडंट लाइक, पत्थर वाला काउंटर था। डिजाइनिंग पे वी विल कम बैक, बट एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रंट फेशिया है इसका, जो एक्सटीरियर लुक है इसका, द मैसेडोनी लुक जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है, सो वो जो पूरा लुक है दैट हमने क्या क्या चेंज किया बेटा। ऐसा होता है कि जब हम कभी भी किसी क्लाइंट के लिए जब गाड़ी बनाते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट ही होता है, पीपल में साउंड इट क्वाइट वियर्ड अबाउट, होता क्या है कि जब हम भी गाड़ी एक फाइनली हमने अप्रोच करी या क्लाइंट ने अप्रोच किया, और एक चीज को जब हम मेटराइज करते हैं तो फ्लोर प्लान के बाद हमारे सीधे आते हैं रेंडर्स। वी गो फॉर दी 3D रेंडर्स। रेंडर में कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट 90-95% क्लियर हो जाता है, एंड ऑफकोर्स दी रेंडर कम्स विद द कॉस्ट, हमारी टीम करे या हम बाहर से आए हायर करके अपनी सर्विसेज को कराए, बट एंड रिजल्ट एक चीज बन के आती है, आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाता है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट फाइनली बन के ये आने वाला है, तो उसके लिए पैसा तो खर्च करना पड़ता है माय डियर, एंड दैट डज नॉट कम चीप। ऐसे ऐसे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जिसमें क्लाइंट ने 6-6 लाख रुपया जस्ट ओनली स्पेंड ऑन दी रेंडर। एक हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है 2000, टाइम तो नहीं मैं कहूँगा, बट उनका 3 साल लग गया गाड़ी को फाइनलाइज करने में, 3rd ईयर में जाके उन्होंने रेंडर्स पहले बाद में बनवाए, रेंडर्स के बेसिस पे अब हम वो गाड़ी को कर रहे हैं, वो उल्टा चल रहा है मामला उसमें, और मेजर चेंजेस हुए हैं उसमें। दैट्स अ चेसी बेस्ड अल्ट्रा, टाटा अल्ट्रा पे बन रही है वो गाड़ी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगेन हम लोग चैलेंजेस तो बहुत बार बोल चुके हैं इस वीडियो में कि चैलेंजिंग था, बट टॉप 5 चैलेंजिंग थिंग्स अबाउट दिस कन्वर्जन। 5 जो 5th नंबर पे होगा वो सबसे लीस्ट चैलेंजिंग, और जो 1 नंबर पे होगा दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग। तो आप रेट कैसे करेंगे इसको, कौन सी चीजें? लीस्ट में बॉडी शेल जो बनाना था, रेंडर्स तो हमारे पास आ गए थे, अब रेंडर्स के हिसाब से उस शेप को बनाना गाड़ी को वॉज अगेन अ चैलेंज, क्योंकि इस टाइप के मॉडिफिकेशन जो है लोगों ने, इस टाइप का मॉडिफिकेशन जो है पहले कभी नहीं करा, शेप उस टाइप की देनी, बॉडी शेप वैसी देनी, तो फिर वही है कि इनपुट हमारा जो पुराना इनपुट था कि बिकॉज जो हमने गाड़ी 2009 में बनाई थी, आई थिंक तेरे मेरे फेरे में, yes. जो मूवी में आई थी तेरे मेरे फेरे, अगर नहीं देखे तो देखिएगा, हमारी उस टाइम में गाड़ी दीपा शाही एंड केतन मेहता के लिए जो पिक्चर आई थी तेरे मेरे फेरे, उसमें हमने गाड़ी डिज़ाइन करके दी थी, वो शूटिंग में यूज हुई थी वो गाड़ी। तो मोनोकॉक से उसको बॉक्सी बनाया था हमने, कैरावन को, टेम्पो ट्रैवल थी ऑफकोर्स। तो उस टाइम में जो हमने जो टीम हायर करी थी, वो टीम मैंने हायर करके उस टाइम जो बंदे बैंगलोर से मैंने बुलाए थे, मेरी टीम थी बैंगलोर से बुलाया था उन्हें, वहाँ से बुला के मैंने फिर टीम आगे जो पूरा फ्रंट फेशिया और दूसरी जो ये कैब ओवर बेड वाला एरिया है उसके हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन करवाया था। दैट वाज द लीस्ट। उसके 4 वाज अगेन स्लाइड आउट हमने बनाए हैं, बट एल्युमिनियम में पहली बार बनाया है हमने, एल्युमिनियम शेल जो बनाया है वो पहली बार बनाया, दोनों शेल एल्युमिनियम में ही बने हुए हैं, तो लाइटर है वेट में, एक तो इसी का वेट जो है करीबन नहीं तो 1.5 टन हो जाता अगर मेटल में नहीं थे, तो दैट्स अ रीज़न वी हैव गॉन विद दी एल्युमिनियम शेल, पूरा एल्युमिनियम में और फाइबर, बिकॉज क्लाइंट ने जब ये लॉक की थी गाड़ी, डील हम लोगों ने लॉक करी थी, तो विद एन एक्सपेंशन एंड ऑल, इनिशियली वी वर गोइंग विद दी वुड फिनिश,
बट ये मेरा कॉल था और मैंने टोटली गाड़ी को फिर फाइबर में बनवाया था. सो नेक्स्ट लाइक चैलेंज नंबर 4 वाज द एक्सपेंशन. देन थर्ड वाज द ट्रिकीएस्ट पार्ट फॉर द एसी डक्ट. ओके यस, डक्टिंग केस में हमने बात नहीं करी. सैलून एरिया की जो डक्ट है यूजिंग द सिंगल कूलिंग कॉयल एंड उसको इस तरीके से हमें जो है डिज़ाइन करना था कि एट द सेम टाइम वो आपके सैलून एरिया को भी कूल कर सके और जो आपका ऊपर का कैब ओवर बेड एरिया है और उसकी डिज़ाइनिंग इस टाइप की हो जाए कि वो डक्ट भी लगे और इट बिकम्स लाइक एज एन वन पार्ट ऑफ इट. क्योंकि आप अगर देखेंगे भी तो लाइक जो पूरा डिज़ाइन है एक यूरी बॉडी डिज़ाइन, एक तो लग रहा है कि हाँ ये पूरा वेव की तरह जा रहा है एंड कोई बोल नहीं सकता कि अच्छा डक्टिंग हो रखी है. डक्टिंग को इसी तरीके से डिज़ाइन करा था बिकॉज हमारे को साथ के साथ कहता है ये जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स थी वो भी उसी टाइम में इनपुट आया था बिकॉज गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में थी. देन दिस केम इन कि हमारे को फाइबर ऑप्टिक केबल्स का भी जो है उसके अंदर में इनपुट चाहिए, तो उसको भी देखना था. प्लस हमारे को डक्ट का भी था क्योंकि इसमें सक्शन का जो सिस्टम है आपका कूलिंग कॉइल का वो भी वही से पार्ट था उसका, तो उसको भी मर्ज करना था. प्लस ये भी था, तो तीन चीज़ों को मिक्स करते हुए चैलेंजिंग था बट यस ओवरकम किया. सेकंड चैलेंज लाइक सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग वाज द 4x4. ओके 4x4 को हमने करा, मैं क्यों उसको रेटिंग जबकि हमने 5 फेलियर थे और 6 उसमें करी बिकॉज डे 1 से मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर था कि मेरे को ये चीज़ बना के देनी है. तो उतना डिफिकल्ट था भी और नहीं भी था, मैं नहीं कह सकता था नहीं था, बट हाँ उसमें चैलेंजेस थे. बट क्योंकि मेरे को गियर रेशियो, मेरे को कैलकुलेशन की थ्योरी के साथ में मैंने प्रैक्टिकल करा हुआ है उसका, और एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियों के साथ हमने करा हुआ था, तो आई न्यू अबाउट कि मैं कहाँ पर फंसूंगा और उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है. मोस्ट चैलेंजिंग जो रहा हमारा, जिसने हमारे सबसे ज़्यादा टाइम खाया, that was the rear suspension. Rear suspension. Yes. Okay. And I'm sorry to say I was really disappointed with the company fitted air suspension, jiski quality ride jo hai wo pathetic thi. Aur finally we gave up with the company fitted suspension aur humne apna hi ek suspension customize karke isme air balloons ka system diya ho ride ko comfort dene ke liye अपना बनाया, और जिसका हमने ट्रायल एंड टेस्टेड जो है पूरा किया है. एंड नॉट ओनली इन विद दिस पर्टिकुलर व्हीकल, दूसरी गाड़ियों में भी करा है बिफोर. इसुजू बुलेरो में भी कराया और दूसरी गाड़ियां जो योद्धा और दूसरी गाड़ियां गई हैं उनमें भी हमने यूज़ तो किया ही है. तो चैलेंजिंग था बट डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी हुआ था, जिसके लिए पैसे हमने दो दो वेंडर्स को हायर करके करा बट उसका एंड रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आया. We failed in that. Finally, हमने अपना प्रोडक्ट एक प्रोटोटाइप तैयार करके और उसको फाइनल करके अप्रूव, तो नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन. बाकी वी आर नॉट गॉड, आपका टेस्ला जैसी कंपनी या टाटा जैसी या महिंद्रा के भी फेलियर्स हो सकते हैं और वो गाड़ी को वापस बुलाते हैं रिपेयर के लिए. तो वी आर ऑल्सो ओपन, अगर कभी कुछ ऐसा ब्रेकडाउन या कुछ ऐसा होता तो वी आर ऑल्सो ओपन. फर्स्ट टाइम एवर इन द एपिसोड ऑफ मैन बिहाइंड द मेकिंग, हम हमारी डिजाइन एग्जीक्यूटिव, तो अब हम बुलाने वाले हैं मिसेस बिहाइंड द मेकिंग को. आर्मी वालों ने रोका बैरिकेड करके कि भाई आपको एक स्पीड लिमिट में जाना है. हमारे पास पैसे नहीं थे, वी लॉस्ट नियरली 22 लाख रुपीज. हम लोगों के साथ में कैसे कैसे मेजर अमूल का 2 kg का डब्बा आता था, उसके अंदर हमने डीजल टैंक का वो बनाया हुआ था. अः भैया ये मुर्दाबाद का रास्ता किधर से है, ये तो आज आपके पास बेसिक कंफर्ट, चारधाम जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, रॉक हैरविंग कर गया, व्हाट वी कॉल द बून डॉकिंग, इंस्टेड ऑफ हिटिंग द टारगेट वो पुता मार दिया उसने. वो ड्रीम जो मेरा रह गया उस ड्रीम को मैं जल्दी ही पूरा करूंगा. कुछ है देखिए, मैं भी कुछ लोगों से सीखूंगा, मैं नहीं कहूंगा मैं पूरे पूर्णतः पूर्ण हूँ. बनने कुछ और आया था और बन कुछ और गए. जहाँ पे हम लोग लड़ झगड़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे अपनी मेमोरीज को.